हेलो गाइस, मायसेल्फ वैभव। तो आज का फैक्ट है, जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि अखबार के सबसे नीचे वाले हिस्से में चार डिफरेंट कलर्स की बिंदु बनी होती हैं, यानी कि डॉट बनी होती है। अब सवाल आता है कि क्या आप भी मेरी तरह ये सोचते हैं कि ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक है? अगर हाँ तो आप गलत हैं। असल में जो ये चार डॉट्स होती हैं, किसी को रिप्रेजेंट यानी किसी चीज़ को शो कर रही होती हैं। जो ये चार बिंदु होती हैं, इनका एक स्पेसिफिक नेम है, वो नाम है CMYK। इसकी फुल फॉर्म है सियान, मैग्नेटा, येलो, ब्लैक। ये सब कलर्स हैं। जो ये चार गोल बिंदु हैं, अगर ये CMYK के क्रम में हो तो इसका मतलब है अखबार में कोई भी कहीं पर भी कोई मिस्टेक नहीं है। अगर ये इस क्रम में नहीं है तो अखबार में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक है। और तो और, जो ये CMYK जो ये कलर्स हैं, जब ये अखबार को लिखा जा रहा था, यानी कि हेडलाइंस, मेन हेडलाइन, सब्जेक्ट, टाइटल लिखे गए थे, तब ये इन्हीं कलर्स में लिखे गए थे। जब ये प्रिंटिंग में गया तब ये ब्लैक कलर की हो गई। क्या आपको इस फैक्ट के बारे में पहले जानकारी थी? आंसर इन कमेंट सेक्शन। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, एंश्योर टू हिट द लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।